the Dawn Express. I'm now Sashka. नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सुखी व स्वस्थ होंगे। श्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करने वाले रियाज नामक स्कूली बच्चे को रेसिंग साइकिल भेंट की तथा उसे शुभकामना दी कि वह साइकिलिंग रेसिंग का अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बने और कठोर मेहनत के बल पर अपना सपना साकार करे। रियाज का सपना एक उत्कृष्ट साइकिलिस्ट बनने का है। ईद उल जुहा से एक दिन पहले रियाज को दी गई यह साइकिल सही मायनों में उसके लिए ईद के त्यौहार पर मिली ईदी जैसी है। रियाज की कहानी समाज के गरीब वर्ग से आने वाले उन संघर्षशील युवाओं के लिए बहुत शिक्षाप्रद है जो अपने भावी जीवन के लिए बड़े सपने देखने का साहस करते हैं। मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले का रहने वाला रियाज दिल्ली के आनंद विहार स्थित सर्वोदय बाल विद्यालय में कक्षा 9 का छात्र है। उसके परिवार में माता पिता के अलावा 2 बहनें और 1 भाई है। ये भाई बहन मधुबनी में रहते हैं जबकि रियाज गाजियाबाद के महाराजपुर में किराए के मकान में रहता है। उसके पिता रसोईया के रूप में काम करते हैं। उनकी मामूली आमदनी को सहारा देने के लिए रियाज अपनी खाली समय में गाजियाबाद के एक भोजनालय में झूठे बर्तन धोने का काम भी करता है। रियाज को साइकिलिंग से जुनून की हद तक प्यार है और पढ़ाई और काम से फुर्सत मिलते ही वह कठिन अभ्यास में जुट जाता है। वहीं अगली खबर, आतंकवाद ग्रस्त पुलवामा में 10 साल का रैपर लाखों लोगों का दिल जीत चुका है। कुछ ही समय में यूट्यूब पर 2 लाख व्यूअर्स हासिल करने वाले एक 10 साल का लड़का जिस तरह संगीत और रैप की दुनिया में अपना नाम कमा रहा है उससे वह लाखों दिल जीत रहा है। इस युवा रैपर की केवल एक ही इच्छा है और वह है बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना। पुलवामा के छोटे से गांव में रहने वाले 10 साल के अरफात मोहिद्दीन भट्ट का नाम आज पुलवामा में रहने वाले हर युवा की जुबान पर है। अफरात ने भी अपने टैलेंट को बिना छुपाए अपनी पूरी क्षमता से इसे लोगों तक पहुंचाया है। अरफात मानते हैं कि हर किसी में कोई ना कोई हुनर होता है, बस उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। वह चाहते हैं कि पुलवामा में ही नहीं बल्कि पूरे कश्मीर का नाम उससे रोशन हो। वहीं अगली खबर, भारतीय सेना ने सोल्जर जनरल ड्यूटी महिला सैन्य पुलिस की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की गई है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार जो इस नौकरी को पाने के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे आधारित वेबसाइट joinindiaarmy.nic.in के माध्यम से 27 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना अंबाला, लखनऊ, जबलपुर, बेंगलुरु, शिलांग और पुणे में भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। वहीं अगली खबर, प्रीति जिंटा एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं। वे हिंदू, तेलुगु, पंजाबी व अंग्रेजी फिल्मों में कार्य कर चुकी हैं। मनोविज्ञान में उपाधि ग्रहण करने के बाद प्रीति जिंटा ने अपने फिल्म फेयर करियर की शुरुआत दिल से मैं 1998 से की और उसी वर्ष फिल्म सोल्जर में पुनः दिखी। इन फिल्मों में अभिनय करने के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नई अदाकारा का पुरस्कार प्रदान किया गया और आगे चलकर उन्हें फिल्म क्या कहना में कुंवारी माँ के किरदार के लिए काफ़ी सराहा गया। उन्होंने आगे चलकर भिन्न भिन्न प्रकार के किरदार अदा किए व उनके अभिनय व किरदार ने हिंदी फिल्म अभिनेत्रियों की एक नई कल्पना को जन्म दिया। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने ऋषिकेश के अनाथाश्रम की 34 बच्चियों को साल 2009 में गोद लिया था। इन 34 बच्चियों के पालन पोषण की जिम्मेदारी प्रीति जिंटा ने ही ले रखी है। वह ऋषिकेश की इन 34 बच्चियों की मां कहलाती हैं। फिल्म निर्माता स्वर्गीय कमाल अमरोही के पुत्र और कमलिस्तान स्टूडियो के मालिक शानदार अमरोही अभिनेत्री प्रीति जिंटा को अपनी दत्तक पुत्री मानते थे। साल 2010 में उन्होंने प्रीति जिंटा को गोद लेने की घोषणा की थी और वह अपनी 600 करोड़ की संपत्ति प्रीति जिंटा के नाम करना चाहते थे, लेकिन प्रीति ने किन्हीं कारणों की वजह से 600 करोड़ रुपए की संपत्ति ठुकरा दी थी। वहीं अगली खबर, नई शिक्षा नीति में नर्सरी से दूसरी कक्षा में बच्चों को फिर से पंच तंत्र की कहानियां सुनने को मिलेंगी।
फाउंडेशन वर्ग में बच्चों को दादी नानी की वो सब किस्से कहानियाँ और सीख नए ढंग से पाठ्यक्रम में मिलेंगे। इसमें बच्चों को खेल खेल में बुजुर्गों व बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम, पर्यावरण को बचाना, देशभक्ति, धैर्य, क्षमा, करुणा, लैंगिक संवेदनशीलता, स्वतंत्रता आदि के बारे में सिखाया जाएगा। हालांकि तीसरी से आठवीं कक्षा तक इन विषयों को किताबी पाठ्यक्रम में विस्तार से समझाया जाएगा। इसमें मानसिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, शराब व तंबाकू या मादक पदार्थों का नुकसान, विपरीत प्रभावों की वैज्ञानिक व्याख्या को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय संविधान के कुछ अंश शामिल होंगे जिसकी पढ़ाई अनिवार्य रहेगी। फाउंडेशन वर्ग में नर्सरी केजी, अपार केजी, पहली और दूसरी कक्षा में बच्चों को सिखाने की जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षक की ही नहीं होगी, इसमें अभिभावकों को भी जोड़ा जाएगा। पहली बार अभिभावकों की भी जिम्मेदारी तय होगी। इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए किताबी पाठ्यक्रम की बजाय खेल खेल में सिखाने पर फोकस होगा। NCERT प्री स्कूल के लिए फाउंडेशन वर्ग का विशेष पाठ्यक्रम जब बनाएगा तो उसमें अभिभावकों सुझावों को भी शामिल किया जाएगा। वहीं अगली खबर, रक्षाबंधन के मौके पर अगर आप अपनी बहन को कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं तो ये अच्छा मौका है। गूगल अपना नया का पिक्सल स्मार्टफोन जल्द ही लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने पिक्सल 4a टीजर जारी कर दिया है। इसे 3 अगस्त को लॉन्च करने की तैयारी है। हालांकि टीजर में ये नहीं लिखा है कि ये फ़ोन कौन सा होगा, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि कंपनी इस दिन पिक्सल 4a ही लॉन्च करेगी। गैर मतलब है कि गूगल ने मई में होने वाली अपनी कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी थी और इस वजह से इस फ़ोन की लॉन्चिंग भी टाल दी गई। गूगल के लेटेस्ट टीजर के मुताबिक कंपनी का नया स्मार्टफोन 3 अगस्त के दिन बाजार में दस्तक देगा। इसके साथ ही टीजर में लेटिन भाषा में दमदार बैटरी, पावरफुल कैमरा, लो लाइट कैमरा और मैक्रो लेंस की जानकारी दी गई है। वहीं दूसरी तरफ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर भी तस्वीर शेयर की गई है। हो सकता है ये खूबियां यह गूगल का नेक्सट मिड रेंज स्मार्टफोन होगा। पिक्सल 4a स्मार्टफोन 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करेगा। गूगल का नया डिवाइस स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर के साथ आएगा। गूगल पिक्सल 4a का भारत में आईफोन से और OnePlus Nord से मुकाबला होगा। फोन में 5.81 इंच के पंच होल डिस्प्ले पैनल दिया जा सकता है। फोन के बैक में फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिए जा सकते हैं। इसके अलावा फोन में फेस स्क्रीनिंग के लिए एरे कैमरा भी दिया जा सकता है। फोन के रियर पैनल पर 12.2 MP का प्राइमरी लेंस मिलेगा जो 8 MP सेल्फी कैमरे के सपोर्ट के साथ आएगा। ऐसी उम्मीद है कि पिक्सल 4a को इन दोनों स्मार्टफोन से कम कीमत में पेश किया जा सकता है। अगर कीमत की बात करें तो पिक्सल 4a की कीमत 30,000 से 40,000 के अंदर हो सकती है। वहीं अगली खबर, प्रीमियम वर्ग में भारत की स्मार्टफोन लदान 32% साल दर साल 1 मिलियन से अधिक करने के लिए जून में कोविड-19 महामारी से संबंधित व्यवधान के कारण गिरावट आई। 2020 तिमाही मुकाबला रिसर्च के अनुसार काउंटर पॉइंट रिसर्च ने एक रिपोर्ट में कहा कि अप्रैल में लगभग 40 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण लगभग 0 लदान हुआ, जिससे गिरावट में योगदान दिया। उन्होंने कहा फिर भी यह सबसे कम प्रभावित खंडों में से एक था और कुल स्मार्टफोन शिपमेंट में 4% से अधिक का योगदान करते हुए समग्र भारत स्मार्टफोन बाजार में इसकी उच्चतम हिस्सेदारी तक पहुंच गया। प्रीमियम लॉन्च में OnePlus 8 सीरीज 5G जैसे नए लॉन्च और किफ़ायती प्रीमियम सेगमेंट में एप्पल की दोबारा एंट्री ने बाजार में रफ्तार पकड़ रखी है। इसके अलावा तिमाही में अधिक विक्रेताओं ने बेहतर लाभ के लिए अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित किया है और भारत के बाजार में ब्रांडों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए देखा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5G अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट में नामक बन गया है और सैमसंग और एप्पल को जल्द ही अपने 5G डिवाइस लॉन्च करने की उम्मीद है। OnePlus ने भारत प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार में उत्तमाही में
29% हिस्सेदारी के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है, बस सैमसंग को पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिस्पर्धा तेज होने के कारण तिमाही के दौरान एप्पल प्रीमियम सिगमेंट शेयर में तीसरे स्थान पर आ गया। भारत का प्रीमियम स्मार्टफोन बाजार आकर ले रहा है। सभार, डेली हंट, डेली होम, धन्यवाद, द डॉन एक्सप्रेस।